माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर कल्चर मीडिया एंड फिजिकल पैरामीटर्स फॉर ग्रोथ। तो हम लोग आज की वीडियो में केवल इतना ही देखेंगे, रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर कल्चर मीडिया, यानी कि कल्चर मीडिया को देखेंगे एंड जो रॉ मटेरियल है उसका यूज देखेंगे। तो ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिजिकल पैरामीटर्स पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कल्चर मीडिया क्या होता है। देखिए, जो कल्चर मीडिया होता है ना, एक प्रकार से आप लोग समझ लीजिए कि ये मीडियम जो है ग्रोथ होता है, यानी कि जो जो कल्चर मीडिया होता है ये एक मीडियम होता है, जैसे कि ह्यूमन होते हैं। अब उनको ग्रोथ करने के लिए अच्छा सा फूड चाहिए, है ना। एंड जो एनिमल होते हैं उनको ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए? चारा चाहिए। इसी तरीके से जो व्यक्ति मछलियों को पालते हैं, है ना, तो मछलियों को जीवित रहने के लिए उनको क्या चाहिए? वाटर चाहिए, है ना। तो ये सब हमारा क्या कहलाता है? कल्चर मीडिया। तो अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें पॉइंट। तो कल्चर मीडिया इज एन एनवायरमेंट्स और मीडियम विच हेल्प टू ग्रो माइक्रोब और अदर ऑर्गेनिज्म। तो कल्चर मीडिया, देखिए, एनवायरमेंट होता है, मीडियम होता है जिसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म एंड जो माइक्रोब होते हैं उनका क्या होता है? ग्रो होता है, है ना, यानी कि ग्रोथ होता है। तो इतना आप लोग समझ गए। एंड अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। तो कल्चर मीडिया कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स एंड फिजिकल ग्रोथ पैरामीटर्स दैट आर नेसेसरी फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। अब जैसे कि कल्चर मीडिया है, तो कल्चर मीडिया किस चीज़ से मिलकर बना है? तो ये देखिए, कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स से, है ना, फिजिकल ग्रोथ पैरामीटर। अब फिजिकल पैरामीटर्स होते क्या हैं? जैसे कि टम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, है ना, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, लाइट हो गया। तो ये अब फिजिकल पैरामीटर्स के अंतर्गत आते हैं, है ना, दैट आर नेसेसरी फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। तो माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए ये क्या होते हैं? काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, या फिर हम कहें तो ये क्या होते हैं? काफ़ी आवश्यक होते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए। एंड नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट, कल्चर मीडिया हेल्प टू स्टडी वेरियस बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो कल्चर मीडिया होता है वो हेल्प करता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड जो बहुत सारी बैक्टीरिया होते हैं उनकी स्टडी के लिए, जैसे लाइफ साइकिल के लिए, उनके इम्पोर्टेंस के लिए, है ना, एंड डिसीज़ के लिए एंड उनके रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। तो अब यहाँ पर आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग बैक्टीरिया को आखिर पैदा क्यों करते हैं, है ना। तो देखिए, जब हम लोग बैक्टीरिया को यानी कि पैदा करते हैं, तो सबसे पहले क्या लेते हैं? एक कंटेनर लेते हैं। कंटेनर में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया को, मतलब पैदा करने वाले जो आवश्यक जो न्यूट्रिएंट्स हो गए और फिजिकल पैरामीटर्स हो गए, तो ये सब उसमें क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अब ऐड होने के बाद बैक्टीरिया ग्रोथ होने लगता है। जब ग्रोथ होने लगता है तो वो हमें नग्न आंखों से तो दिखाई नहीं देता, तब हम लोग क्या करते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं कि वो किस टाइप का बैक्टीरिया है, है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं, है ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं कल्चर मीडिया का टाइप, यानी कल्चर मीडिया कितने टाइप का होता है। तो जो कल्चर मीडिया होता है वो तीन टाइप का होता है। एक तो बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी एंड बेस्ड ऑन कॉम्प्लिकेशन, और जो तीसरे नंबर पर होता है वो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन होता है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि जो बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है एंड बेस्ड ऑन एप्लीकेशन दिया है एंड जो बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी दिया है, इसको हम तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं, कंसिस्टेंसी में कौन कौन से पॉइंट आते हैं। देखिए, इसमें सेमी सॉलिड आता है, सॉलिड मीडिया आता है, लिक्विड आता है ना। एंड अब देख लेते हैं बेस्ड ऑन
कॉम्प्लिकेशन में क्या आता है, इसमें सिंथेटिक आता है एंड नॉन सिंथेटिक आता है। अब इसके बाद देख लेते हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेशन में क्या आता है, तो इसमें बेसिक मीडिया आ जाता है, इनरिच्ड मीडिया आता है ना, अनसेलेक्टिव मीडिया आता है, डिफरेंटियल मीडिया आता है, इंडिकेटर मीडिया आता है, ट्रांसपोर्ट मीडिया आता है, ऐसे मीडिया आता है ना, एंड शुगर मीडिया आता है, स्टोरेज मीडिया आता है। तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, अभी तो मैं आप लोगों को ये पॉइंट मतलब बता रहे हैं टाइप में कौन कौन से हैं, है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी मीन्स होता है स्थिरता, है ना। तो अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो इसमें आ जाता है सेमी सॉलिड मीडिया, तो इट कंटेन 0.2 से 0.5 अगर क्या होता है, अगर यानी कि कंसिस्टेंसी मतलब हम कहते हैं कि जो कल्चर मीडिया होता है उसमें हम अगर को जब हम ऐड करते हैं तो वो उसको क्या बना देता है, सॉलिड बना देता है। यानी कि जब हम अगर को ज़्यादा अमाउंट में ऐड करेंगे तो जो हमारा मीडिया कल्चर है वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, है ना। तो ये होता है अगर। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट्स ब्रॉथ कंटेनिंग 0.5% अगर, है ना। एंड इसके बाद आ जाता है हमारा सॉलिड मीडिया, तो इसमें लिखा हुआ है इट कंटेन्स 1.5 to 2% अगर। तो इसमें सॉलिड मीडिया में क्या होता है कि 1.5 to 2% क्या होता है, अगर मिला होता है ना। इसका एग्जांपल होता है न्यूट्रिएंट्स अगर। एंड इसके बाद आ जाता है लिक्विड मीडिया, तो लिक्विड मीडिया में देखिए लिखा हुआ है अब्सेंस ऑफ अगर, तो जब अगर अब्सेंट रहे तो समझिए कि वो लिक्विड मीडिया है। एंड इसका एग्जांपल देख लेते हैं, लिक्विड थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ होता है। एंड अब देख लेते हैं बेस्ड ऑन कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है कि हम जो हमारा मीडिया है उसमें हम लोगों ने क्या डाल रखा है, हम लोगों ने क्या मिलाया है, है ना। तो इसमें हमारे दो पॉइंट आ जाते हैं, एक तो सिंथेटिक और दूसरा नॉन सिंथेटिक। तो इसे हम कहते हैं डिफाइंड मीडिया। डिफाइंड मीडिया में देखिए लिखा हुआ है द मीडिया हुज एग्जैक्ट कंपोजिशन इज नोन, यानी कि हाईली प्योर। इसमें क्या है कि जैसे कि कोई भी जैसे कि मीडिया है तो उसमें हम लोगों ने कुछ भी ऐड किया तो वो हम लोगों को पता है, एग्जैक्ट पता है कंपोजिशन हम लोगों ने क्या मिलाया है, है ना। एंड दीज मीडिया आर यूज फॉर रीच्ड पर्पज, तो इस मीडिया को पर्पज के लिए यूज़ करते हैं ना। एंड अब देख लेते हैं नॉन सिंथेटिक, इसे हम अनडिफाइंड मीडिया कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है दी एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ दिस मीडिया इज अननोन, यानी कि नॉट प्योर। इस पॉइंट का मतलब है कि हम लोगों ने कुछ भी ऐड किया है ना तो वो हम लोगों को एग्जैक्ट पता नहीं है कि हम लोगों ने क्या ऐड किया है, है ना। तो वो हो जाएगा क्या, और नॉन सिंथेटिक या अनडिफाइंड मीडिया हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद Our MSc will put you in a good position to get a job as a health data scientist within the NHS or maybe within a pharmaceutical company. There's also a huge number of opportunities to do a PhD in health data science. बेस्ड ऑन पर्पज या बोले तो एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का मतलब इसमें क्या है कि जो हम बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, यानी कि जो हम मीडिया बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है इसमें पॉइंट बेसिक मीडिया, तो दिस मीडिया इज फॉर जनरल पर्पज, इन दिस मीडिया ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैन ग्रो। तो ये जो मीडिया होता है ना ये किसके लिए होता है, जनरल पर्पज के लिए होता है। एंड इस मीडिया में क्या होता है कि जो सभी प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। तो अब देख लेते हैं हम लोग इनरिच्ड मीडिया, तो देखिए लिखा हुआ है इन दिस मीडिया एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स आर एडेड सच एज ईग ब्लड सीरम ग्रो दोज बैक्टीरिया विच रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स। इस मीडिया में होता है कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना पड़ता है, जैसे ईग हो गया, ब्लड हो गया, सीरम हो गया, है ना। तो इन सब को क्या है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, या हम कह लें कि
एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना पड़ता है। एंड इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ब्लड अगर है, चॉकलेट है, अगर है ईटीसी। एंड इसके बाद आ जाता है सिलेक्टिव मीडिया। तो देखिए लिखा हुआ है, दिस मीडिया आर ओनली फॉर द स्पेशल बैक्टीरिया, इन दिस मीडिया अनवांटेड बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो। तो इस मीडिया में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होती हैं वो एक प्रकार की स्पेशल होती हैं, है ना, यानी कि इसमें जो बैक्टीरिया होती है या यानी कि अनवांटेड बैक्टीरिया का ग्रो नहीं हो पाता है। एंड अब देख लेते हैं डिफरेंटियल मीडिया। तो डिफरेंटियल मीडिया में क्या होता है, दिस मीडिया इज फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ कलोनी कलर। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझिए, जैसे कि ये डिफरेंशियल क्या है, मीडिया है, इसमें क्या है, ये बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया हो गई। अब इसमें हम टू ग्रुप बना देते हैं, है ना। तो जब ये ग्रुप बन गए तो इसमें क्या है, बैक्टीरिया ज़्यादा होंगी क्योंकि ये ग्रुप बन गया, है ना। अब इसका कलर कुछ अलग होगा, इसका कलर कुछ अलग होगा। मान लें कि हम इसका रेड होगा, है ना, इसका येलो होगा। तो इन ग्रुपों को हम क्या कहते हैं, कलोनी, है ना। तो इसी बेस के आधार पर हम इस मीडिया का डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। अब इसके बाद देख लेते हैं इंडिकेटर मीडिया। तो दिस मीडिया कंटेन एन इंडिकेटर विच चेंज कलर व्हेन अ बैक्टीरियल स्पीसीज ग्रो इन देम। तो इंडिकेटर मीडिया में क्या होता है, यहाँ पे आप लोग समझिए, जैसे कि यहाँ पे बैक्टीरिया है ना। तो जब बैक्टीरिया है तो अब इसमें क्या होगा, जो बैक्टीरिया की जो प्रजातियाँ हैं, है ना, तो वो क्या होंगी, ग्रो होंगी, यानी कि ग्रोथ होगा। जब ये बढ़ेंगी तो इंडिकेटर क्या करेगा, इंडिकेटर मीडिया क्या करेगा, इसका कलर क्या करेगा, चेंज कर देगा, है ना। तो यही सब चीज़ है इसमें। इसका एग्जांपल है विल्सन एंड व्लेयर मीडियम। एंड अब देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया। तो ट्रांसपोर्ट मीडिया में देखिए क्या होता है, इन दिस मीडिया स्पेसिमिनल बैक्टीरिया ट्रांसपोर्टेड टू लेबोरेटरी इमीडिएटली आफ्टर कलेक्शन टू प्रिवेंट ओवरग्रोथ ऑफ कंटामिनेटिंग ऑर्गेनिज्म। तो इस पॉइंट का मतलब समझिए, जैसे कि बैक्टीरिया है ना, इस मीडिया में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होती है ये 7-8 दिन में क्या होती है, ड्राई होने लगती हैं। तो जब 7-8 दिन में ये ड्राई होने लगती हैं तो उस ड्राई होने से बचाने के लिए इनको कहीं दूसरे जगह लेबोरेटरी में, यानी कि लैब में, इसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, है ना। तो इसको ड्राई होने से बचाने के लिए इसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, ट्रांसपोर्ट मीडिया में, है ना। अब हम लोग एसे मीडिया देख लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, दीज मीडिया आर यूज्ड फॉर एसे ऑफ विटामिन्स एमिनो एसिड्स एंड एंटीबायोटिक्स। तो इस मीडिया का हम लोग यूज़ करते हैं विटामिन्स के लिए, एमिनो एसिड के लिए, एंटीबायोटिक्स के इससे के लिए, है ना। एंड इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं शुगर मीडिया। तो इन शुगर मीडिया 1% शुगर इज एडेड टू पेप्टोन वाटर विथ सूटेबल इंडिकेटर। इस मीडिया में 1% शुगर को सूटेबल इंडिकेटर के साथ हम लोग क्या करते हैं, पेप्टोन वाटर में ऐड करते हैं, है ना। एंड अब देख लेते हैं स्टोरेज मीडिया। तो दीज मीडिया आर यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ बैक्टीरिया ऑफ लॉन्ग टाइम। तो इस मीडिया का हम लोग यूज़ करते हैं प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज, है ना, को बैक्टीरिया को लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए, है ना। तो इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है। तो देखिए लिखा हुआ है इनरिच्ड मीडिया। तो इन दिस मीडिया स्पेशल बैक्टीरिया इज ग्रो एंड अदर बैक्टीरिया किल्ड बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स। तो इसमें क्या है कि ये जो है इसमें स्पेशल बैक्टीरिया का क्या है, ग्रो कराया जाता है ना, एंड जो अदर बैक्टीरिया होती हैं उसको क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक्स के जरिए किल कर दिया जाता है। इसका एग्जांपल है टेट्रा थायोनेट ब्रोथ।
आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों का ये कॉलेज है ना, अब कॉलेज के ग्राउंड में क्या लगी होती है, घास लगी होती है ग्राउंड में, है ना। जैसे कि ये घास लगी हुई है ना, अब घास के साथ साथ किनारे किनारे जो अब फूल लगे होते हैं या बीच में भी लगा होता है फूल, है ना। तो जब किनारे किनारे ये फूल लगे हुए हैं, अब जैसे कि हम लोग इसमें कुछ हम ग्रो करने के लिए कुछ हम लोग डालते हैं, है ना। तो जब कुछ चीज़ें डालते हैं जैसे खाद वगैरह हम लोग डालते हैं तो ग्रो करने के लिए डालते हैं ना, तो जब ये ग्रो होगा इसमें जब हम लोग डालेंगे तो कुछ तो ये फूलों के साथ लगेगा खाद, है ना, एंड कुछ खाद जो होगा वो घास के साथ लगेगा। तो फूल यानी कि 100% हमें फूलों के साथ नहीं लगता है, कुछ किसके साथ लगता है, घासों में लग जाता है ना। ये मान लीजिए कि बैक्टीरिया है, तो ये काम का जब नहीं है तो इसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं, है ना, यानी कि किल कर देते हैं, वही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, है ना, किसके जरिए, एंटीबायोटिक्स के जरिए, है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों ने देखा क्या लिखा था, टेट्राथायोनेट ब्रोथ लिखा हुआ है ना। देखिए ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया है ना, तो ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।